अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर फजीहत झेलने वाला पाकिस्तान एक बार फिर सुर्खियों में है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने दिए बयानों और कैमरे के सामने अजीब गरीब हरकतें करने के लिए जाने जाते रहे हैं। अब उनका नया वीडियो उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद से आया है, जहां उन्होंने अपनी ऐसी इंटरनेशनल फजीहत कराई है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी हंसने पर मजबूर कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर पाक पीएम को ट्रॉल भी किया जा रहा है। हुआ कुछ यूं था कि पुतिन के साथ मुलाकात के दौरान पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ कान में ट्रांसलेटर ईयरफोन लगा नहीं पा रहे थे, जिस वजह से वो काफी असहज दिखे। आखिर बाद में उन्होंने मदद मांगते हुए कहा कि क्या कोई मेरी मदद करेगा। तब अचानक पाकिस्तान प्रतिनिधि मंडल से एक शख्स आकर पाकिस्तान पीएम शहबाज के कान में ट्रांसलेटर ईयरफोन लगाने में मदद करता है, लेकिन फौरन बाद ट्रांसलेटर ईयरफोन फिर कान से गिर जाता है। ये पूरा वाक्या पुतिन के सामने हो रहा था, वो खुद को भी रोक नहीं पाए और उनकी हंसी निकल गई। ईयरफोन नहीं लगा पाने का वीडियो वायरल होने के बाद शहबाज शरीफ को बेरहमी से ट्रोल किया जा रहा है। खुद इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने भी इसका वीडियो शेयर किया है, जिसमें दिखाया गया कि कैसे पाक पीएम पुतिन के सामने ट्रांसलेटर टूल के लिए ईयरफोन लगाने के लिए जूझते दिखे। शहबाज शरीफ की मुश्किलें यही खत्म नहीं हुई। जब समरकंद में परोसे गए खाने का स्वाद चखने की बारी आई तो तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष का नंबर आ गया, लेकिन शहबाज की तरफ किसी का ध्यान तक नहीं गया। आखिर में उन पर नजर पड़ी तो आगे बुलाया गया और शरीफ ने भी छेपते हुए खाने को टेस्ट किया। शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल फजीहत वाले वीडियोस पाकिस्तान की ही इमरान खान की पार्टी ने ट्वीट किए हैं और इसके जरिए शहबाज शरीफ को उनकी औकात बताने की कोशिश की गई है। वहीं शहबाज शरीफ और पुतिन के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन पाकिस्तान तक गैस पाइपलाइन एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। पुतिन ने कहा कि पाइपलाइन के जरिए पाकिस्तान तक गैस की सप्लाई संभव है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरी स्ट्रक्चर पहले से ही तैयार है। दरअसल हर साल पाकिस्तान में सर्दियों के दौरान गैस की कमी हो जाती है, ऐसे में रूस से गैस पाकिस्तान के लिए एक बड़ी जरूरत है। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल TV9 भारतवर्ष।